दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि WhatsApp पर मीडिया ऑटो डाउनलोड कैसे बंद करते हैं। जो कि WhatsApp पर मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑन रहने से होता ही है कि हमारे WhatsApp में आए हुए फोटो और वीडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो हमारे काम का हो या ना हो, और इससे हमारा स्टोरेज काफी जल्दी फुल हो जाता है और इससे हमारी मोबाइल डेटा भी काफी खर्च होती है और हमारा MB जल्दी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि WhatsApp पर मीडिया ऑटो डाउनलोड कैसे बंद करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले WhatsApp ओपन करनी है और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ सेटिंग में आनी है। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज एंड डेटा, सिंपली उस पर मैं टैप कर देनी है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, सिंपली मैं उस पर क्लिक कर देनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सब कुछ यहाँ पर इनेबल है, यानी कि हमारे WhatsApp पर कोई भी फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट जो कोई भी सेंड करेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे, जिससे हमारा फोन मेमोरी काफ़ी जल्दी भर जाएगा और हमारा MB भी जल्दी खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबको मैं सबसे पहले ऑफ कर देनी है। अब इससे होगा ये कि कोई भी पर्सन में फोटो, वीडियो या कुछ भी भेजता है ऑटोमेटिक वो डाउनलोड नहीं होगा जब तक हम उसे डाउनलोड ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फोटो डाउनलोड हो तो आप फोटो पर टिक कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप काफी समझ में आ गया होगा कि WhatsApp पर मीडिया ऑटो डाउनलोड कैसे बंद करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।